गद्दे, चादर, पर्दे, डोरमेट, सोफे की गद्दी व कवर, दोहर, कंबल, रजाई मिलने का स्थान अप्सरा इंटरप्राइजेज, बजाजी लाइन, दमोह। बेल्डवर्स न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर। दमोह जिले में बागेश्वर धाम की राम कथा का आयोजन 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक किया जाना है, जिसको लेकर एक भव्य कलश यात्रा दमोह के आशीर्वाद गार्डन से प्रारंभ हुई, जो कि होमगार्ड ग्राउंड जहां कथा स्थल है वहां पर पहुंची, जिसका ड्रोन से व्यू लिया गया है। आप भी देखिए, लगभग लाखों की संख्या में भक्त जय श्री राम के नारे लगाते हुए इस कलश यात्रा में सम्मिलित हुए। वहीं कथा यात्रा को आयोजन को लेकर क्या कुछ कहना है, यह भी हम आपको सुनाते हैं। शुभारंभ हो रहा है, जिसमें कलश यात्रा आप देख सकते हैं, सब पीली साड़ियों में हमारी जो महिला हैं वो सब पूरी आई हुई हैं, हमारी जो भक्तगण हैं हमारे बागेश्वर धाम की, जो कि आशीर्वाद गार्डन से शुरू होकर अभी हमारे परेड ग्राउंड तक आएगी कलश यात्रा पूरी। आप देख सकते हैं कितनी भव्य यात्रा है, घाट हाथी घोड़ा से लेके हमारे जितने भी हमारे महाराज हैं वो सब गाड़ी पालकी से आ रहे हैं, और बहुत अच्छी मतलब सब बहुत श्री राम भक्त हो गए हैं, सिया राम भक्त हो गए हैं। कब से लेके कब तक चलेगी ये भागवत? ये भागवत आज 24 तारीख से चालू होकर 1 तारीख तक रहेगी। 1 तारीख को आपका सबका भंडारा रहेगा, आप सभी आमंत्रित है, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तो निकल रही है, क्या आयोजन है? ये बागेश्वर धाम जो आज के प्रत्यक्ष ईश्वर के रूप में भगवान ने बागेश्वर धाम के रूप में उन्होंने जन्म लिया, आज वो दमोह में पधारे और आशीर्वाद गार्डन से घंटाघर होके एवरेस्ट लॉज से होकर बस स्टैंड तीन गुल्ली होकर किल्लाई नाका से होके रत्न ये नवजागृति स्कूल से होकर यहाँ पर होम ग्राउंड तक यह भव्य विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें ऐसा दिख रहा है कि पूरा दमोह इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हो गया है, और जो नहीं आए हैं वो निश्चित तौर पर अपना ये घर बैठ के सोचेंगे कि हमने बहुत बड़ी जीवन की गलती और भूल की है। निश्चित तौर पर हम सबसे चाहेंगे कि जो इस कलश यात्रा में नहीं आए वो भगवान की कथा सुनने के लिए ज़रूर आए।